गुमतुम जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। भोपाल से एक कट्टर हिंदू ब्राह्मण बहन जिसका नाम है वर्षा तिवारी, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से वर्षा तिवारी ने सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए और ब्राह्मण के लिए हमेशा अपनी आवाज को बुलंद किया है। परंतु मैं आज भोपाल हूं, मध्य प्रदेश के भोपाल हूं मैं स्वयं, और भोपाल में विशेष तौर पे इसीलिए ही आया हूं, हालांकि इधर का दौरा नहीं था। मुझे कल फोन किया था आपने, मुझे कल बहन ने कहा कि मुझे कुछ सुअर ज्यादे, कुछ जाहिल गंवार फोन उठाने की, किडनैप की धमकी दे रहे हैं और अनेकों गंदे गंदे कमेंट्स करना, गंदे गंदे इसके नाम की फोटो एडिटिंग करना और सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी लाइफ को तबाह करने का प्रयास कुछ जाहिल कर रहे हैं, कुछ गंवार कर रहे हैं, और उसमें कुछ तो दल्ले के बच्चे हैं परंतु कुछ ऐसे जाहिल हैं, ऐसे गद्दार हिंदू होने के बाद भी हिंदूवादियों का नाम बदनाम करने का प्रयास करके वो उन हिंदूवादी लीडरों का नाम लेकर उनके भाई बनकर, उनके दोस्त बनकर इस बच्ची को फोन करके टॉर्चरिंग करना, परेशान करना और इसके साथ में अनेकों गंदी गंदी हरकतें करना। ये बताएगी पहले इसके साथ में क्या क्या हुआ, नंबर भी आपको देगी, आप अपना पेन और पेपर पास में रखना, जिस नंबर से इसको धमकी आई है ये नंबर भी आपको ये देगी, जरा वो लिखना और उसको बताना कि भाई आप उसके बारे में जानकारी लेना, वो भाई कौन है। मैंने भी फोन किया था अभी, पता नहीं, मैं जानता नहीं हूं उसको, बोल रहा है मैं आपसे मिला हुआ हूं, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। परंतु सबसे पहले तो मैं वर्षा तिवारी का पेज के ऊपर, आज लाखों लोग तुम आपका लाइव देखेंगे और आपकी जो भी तकलीफ है, जो भी पीड़ा है, परेशानी है, अब यहाँ पर बताना है आपको, दुनिया को दिखाना है कि क्या मैटर हुआ था, किस विषय को लेकर जो हिंदू बनकर और किन किन के भाई और किन किन के हिंदूवादी नेताओं के वो बने थे, पता नहीं क्या क्या बनकर आपको जो फोन किए थे वो कौन थे, उनके नंबर सहित नाम सहित पता है। मेरे साथ में अभी भोपाल से लाइव हूँ और भोपाल से मेरे साथ में है वर्षा तिवारी, एक कट्टर हिंदू ब्राह्मण बहन है ये, और हमेशा अपने छोटे बच्चों को छोड़कर, अपना निजी कामकाज छोड़कर ये हिंदुत्व के लिए आवाज उठाती है, और जब इसको पीड़ा हुई, परेशानी हुई, तकलीफ हुई, तब इसने मुझे बताया कि मुझे उठाने की धमकी आ रही है, मेरा खून करने की धमकी आ रही है, मेरे साथ रेप करने की धमकियां दे रहे हैं लोग मुझे। तब जाके मैं तुरंत इमिडिएटली मौके पे पहुंचा हूं मैं इसके घर पे। तो जो भी भाई एक बार जुड़ जाए और शेयर करें सभी लोग, और इस बात को हिंदुत्व के उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो भी आज तक जो भी हिंदुत्व का कार्य कर रहे हैं, उन सभी लोगों तक पहुंचाएं। मैं मेरी बात बाद में रखूंगा, पहले इनसे कहूंगा कि आप अपनी पीड़ा बताएं कि तकलीफ क्या है और किसने आपको क्या कहा। जय श्री राम, सभी को, सभी भाई बहनों को भगवा प्रणाम। तो मैं एक पोस्ट करती हूँ रक्षाबंधन के दिन, और उसमें पोस्ट में मैं कुछ राखी और कुछ स्वीट्स पोस्ट करती हूँ, जिसमें मेरे पास कमेंट आता है, मतलब बहुत गंदा कमेंट आता है, उसका मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ। मैं अपने भाइयों को मेंशन करती हूँ जो कि उसमें रिप्लाई करते हैं गाली गलौज होने के बाद में, जो कि एक मुस्लिम का कमेंट था, जाना माना कमेंट था, और मैं उसे जानती थी बहुत अच्छे से कि ये टिकटॉक पर एक गैंग चला रहा है जो कि लव जिहाद की गैंग है। तो उस गैंग के अंतर्गत मैंने जब उसकी सारी आईडी चेक की तो मैंने देखा इससे सारे हिंदू जुड़े हैं, और मैंने जब उन हिंदुओं की आईडी चेक की और सारी आईडिया चेक की तो मुझे पता कि ये वही गैंग है, और मैंने उस गैंग को हाईलाइट करने के लिए, अपनी हिंदू बहनों को बचाने के लिए मैंने लाइव आई और मैंने लाइव में आकर कहा कि सभी हिंदू बहनें सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि यहाँ पर कुछ टिकटॉक की मुस्लिमों की गैंग, लव जिहाद की गैंग यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है। तो मैंने ये मैसेज दिया, ये मैसेज जब मेरी लाइव कटती है उसके तुरंत बाद से मेरे पास धमकी आने लगती है, जो खुद का नाम उपदेश राणा बताते हैं,
कि मैं उपदेश राणा बोल रहा हूँ और नंबर बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए, इस बात का बहुत बड़ा महत्व है। उपदेश राणे का नाम बताया उसने। सबसे पहले तो मैं, मेरा निवेदन है भाई उपदेश राणा जी से कि जो नंबर दे रही है उस नंबर पे इंक्वायरी कीजिए कि बंदा आपका है। अगर आपका है तो उसका उसका इलाज कीजिए, आप स्वयं समझाइए उसको। और आपका नहीं है वो बंदा तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, क्योंकि अभी मैंने जिस उससे बात करी मुझे भी उसने ये बताया कि मैं उपदेश राणा का छोटा भाई बोल रहा हूँ। ये मुझे स्वयं बताया अभी। हाँ, ये उपदेश राणा नाम से जो मेरे पास नंबर आ रहा था वो नंबर है 9650194649 9650194649। ये नंबर, ये नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए ये नंबर, ये नंबर है। और इस नंबर से मुझे बोला जाता है कि मुस्लिमों के खिलाफ पोस्ट ना करूं, इस्लाम के खिलाफ मैं कोई भी पोस्ट ना डालूं, जबकि मैं कुछ दिन पहले से इस्लाम के खिलाफ कोई पोस्ट कर भी नहीं रही हूं। और अगर अपने को किसी भी जाति धर्म के खिलाफ से कोई मतलब नहीं है, इस्लाम हो, हिंदुत्व हो, सिख हो या किसी भी हो, किसी भी जाति धर्म के खिलाफ हम कभी कोई पोस्ट ना करते हैं ना करेंगे। परंतु जिहादियों के खिलाफ, जाहिलों के खिलाफ, गवारों के खिलाफ, लवजियादियों के खिलाफ बिल्कुल आवाज, तो क्या उनका इलाज भी करेंगे? पहली बात तो मुस्लिम के खिलाफ पोस्ट नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं, और ये बात अगर कोई हिंदू हमसे कहे कि मुस्लिमों के खिलाफ पोस्ट मत करो तो ये गलत है। क्योंकि जब वो हमारे राम कृष्ण हनुमान जैसे भगवान को गंदा गंदा बोलते हैं, तब ये हिंदू कहाँ जाते हैं? तब ये क्यों नहीं बोलते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ पोस्ट मत करो? अच्छा, वो उसका क्या नाम था जिस आईडिया आप बोल रहे थे, फकीरा बाबा, किस नाम की आईडी? फकीरा बाबा नाम की आईडी। एक हिंदी में फेसबुक आईडी है, मैं आपको बताता हूँ, हिंदी में नाम लिखा हुआ है, पूरा हिंदी में है ना? हाँ, हिंदी में है। ये ग्रुप है इसका सारा, ग्रुप छोड़ो, इतने गंदे गंदे फोटो नहीं दिखाना आपने को। ये एक आईडी है, आप देख लीजिए जरा ध्यान से, दिख रही है आपको? फकीरा बाबा, इसका ही ग्रुप है। आईडी में जो मतलब फोटोज लगी है, प्रोफाइल जो पिक्चर लगी है, वो ग्रुप की लगी है, और यही वो ग्रुप है जो नवजिहाद में सक्रिय है। अच्छा, ये फकीरा बाबा नाम की आईडी है, अब इसके बारे में बताइए पहले, फकीरा बाबा के बारे में। यही तो है जो कमेंट। हाँ, ये क्या करता है, हिंदुत्व के नाम का वीडियो बनाता है? हाँ, ये जो फकीरा बाबा है ये हिंदुत्व का नाम का वीडियो बनाता है, और ये सारे वीडियो शेयर करता है उन लड़कियों के जो ज्यादा हिंदूवादी हैं, उन्हीं लड़कियों के वीडियो शेयर करता है, उन्हीं की पोस्ट शेयर करता है, और ये इस तरह शेयर करके फ्रेंड लिस्ट में आता है, और फिर अपनी गैंग को सक्रिय करता है, फिर वहां से लव जिहाद उत्पन्न होता है। और इसके साथ में कुछ ऐसे लड़के हैं जो बहुजनवादी हैं, भीमवादी हैं, लेकिन हिंदू के नाम की आईडी बनाकर रखे हुए। कुछ समाजवादी हैं जो हिंदू के नाम की आईडी बनाकर रखे हुए हैं, तो इसमें ज्यादातर जो है हिंदू ही साथ दे रहे हैं, और बाकी इसका जो गैंग है मुस्लिम वाला तो है ही, और ये सब जो है इंटरनेशनल कॉल करते हैं। कभी उसने क्या नाम बताया था आपको, जो दिल्ली से जितने धमकी दी थी? उसने नाम नहीं बताया, उसका नाम राममलन चौधरी है। क्या नाम? राममलन चौधरी। राममलन चौधरी नाम बता रही है बहन। अगर उसका रियल नाम जो है, नंबर दिया है आपको अभी इनने, जिस नाम से इनको धमकी वगैरह जो कुछ भी आई है, वो अपने आपको राममदन चौधरी बताने को तो बता रहे हैं। अगर हकीकत में रियल में इनका ये नाम है कि नहीं है वो हमें जानकारी नहीं है, परंतु अच्छा ये ट्रू कॉलर ने ऐसा बता रहा है, बता दो स्क्रीन शॉट वहां पर, इसका स्क्रीन शॉट, ये राम चौधरी आ रहा है नाम, ये देखिए राम चौधरी। और इसकी जो सुदर्शन वाहिनी विनोद शर्मा से बात हुई थी, इसने खुद ने स्वीकार किया है कि मैंने धमकी दी है, और मैंने ऐसा भी बोला है कि इस्लाम के खिलाफ पोस्ट ना करें, और मैंने गाली गलौजिंग की है, इसने खुद एक्सेप्ट किया है, उनके पास रिकॉर्डिंग भी है इसकी, उन्होंने मुझे पिछले नंबर पर भेजी थी, पर ये मैंने बंद कर दी वो वाला। कोई बात नहीं, ये जो भी भाई है अपने आपको उपदेश जी का छोटा भाई बता रहा है, मुझे भी बताया, इनको भी बताया, और उनके नाम का अगर दुरुपयोग कर रहा है तो इनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। जब
जब इस बहन ने सोशल मीडिया पर किसी भी धर्म और जाति पर कोई कमेंट किया ही नहीं, बराबर, कुछ भी कोई जाति धर्म पे कोई कमेंट किया ही नहीं, उसके बावजूद भी इसको फोन करके बोलने धमकी देना, तुझे उठा लेंगे, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मैं डॉन बोल रहा हूँ। तो सुन ले भाई डॉन, तू कितना बड़ा डॉन है, जरा इस तक पहुंचने की बात तो छोड़, उठाने की बात तो छोड़, जरा उसको टच करके की बात छोड़, तू खाली भोपाल आके बता दे, भोपाल आके बता दे, बस भोपाल आके बता दे कि मैं भोपाल पे चौराहे पे खड़ा हूं और मेरे को ना कर दे वर्षा तिवारी को फोन कर लेना, उठाने की बात तो दूर हो गई। अरे बेशर्मो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, दुष्ट लोगों, बुद्धि लो, नंबर दो गद्दारों कि खुद कुछ कर नहीं सकते, और अगर कोई नारी शक्ति, कोई नारी होने के बाद भी हिंदुत्व के लिए आवाज उठा रही है, लवजियात के खिलाफ आवाज उठा रही है, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है, और उसके बावजूद भी अगर वो लफ्जियात के खिलाफ आवाज उठा रही है, जिहादियों के खिलाफ आवाज उठा रही है, देशद्रोहियों के खिलाफ आवाज उठा रही है, तो बेवकूफों, तुम लोगों को तो इसको सपोर्ट करना चाहिए था, उल्टा तुम इसको धमकी दे रहे हो क्योंकि ब्राह्मण है, इसके पीछे तिवारी लगता है, इसलिए धमकी दे रहे हो, बेटा हल्के में मत लेना, हल्के में लेना मत। हाँ, और आज हम तो देखो, हम हिंदुत्व का कार्य कर रहे हैं, हमारा काम मिशन है केवल हिंदुत्व को एक करना, परंतु अगर कोई हमारी ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण हूं, जाति मैंने ब्राह्मण समाज में ली है, राजपुरोहित ब्राह्मण समाज में जन्म लिया मैंने, अगर कोई हमारे ब्राह्मण समाज की बहन हो या कोई भी हिंदू समाज की बहन हो जो ये कार्य कर रही है, और उसके बाद उसको तुम लोग धमकियां दोगे, तो क्या हम लोग घंटी बजाएंगे बैठे बैठे, पूजा करेंगे तुम्हारी, तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, मैं प्रशासनिक अधिकारियों से, आला अधिकारियों से बात करके उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करूंगा। अभी जिस तरह से नीच लोगों, एक जावेद नाम का सूर का बच्चा है, जावेद नाम का एक हलाल का बीज है, उसने इस बच्चे के फोटो एडिटिंग किए हैं, यति बाबा नरसिंहानंद जी के फोटो एडिटिंग किए हैं, पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ के फोटो एडिटिंग किए हैं, कमलेश जी तिवारी के फोटो एडिटिंग किए हैं, बजट तेरा पाकिस्तान, कमलेश तिवारी के फोटो एडिटिंग किए हैं, और ये जितने भी हिंदूवादी लोग हैं उनके फोटो एडिटिंग करके उनको बदनाम करने का कार्य, वो सूर, फोन काट रहा हूं मैं, लाइव चल रहा हूं, मैं लाइव चल रहा हूं, फोन काट रहा हूं मैं आपका, उस जाहिल ने जितने भी हिंदूवादी लोग थे जो सनातन धर्म की रक्षा का कार्य कर रहे हैं, उन सब का फोटो गंदा गंदा एडिटिंग किया है, जावेद नाम का एक दलाल है, दल्ले का बच्चा है, सूर ज्यादा है, उसने इस बच्चे के भी फोटो गंदी तरीके से वायरल किया है, हालांकि उसके खिलाफ FIR बन चुकी है, बहुत जल्दी सलाखों के पीछे भी जाएगा, वो उसको ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं उसके आईडी के माध्यम से, और उस दलाल को अपना जीजा बना के बैठे हैं कुछ हरामी लोग, गद्दार लोग, जो हिंदू होने के बाद भी कुछ गद्दार लोगों ने उस जावेद को अपना जीजा बना के रखा है, और उसके समर्थन में, उसके सपोर्ट में इसको गालियां दी माँ बहन की, उसको धमकी दी उठाने की, तुम्हारी माँ का दूध पिया है बच्चों, तो इस तक आने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, हम लोग ऐसी दुनिया में खुली घूम रहे हैं, आ जाओ कभी दो दो हाथ कर लेंगे, सारे साले सुअर के बच्चों, गंदी नाली के कीड़ों, तुम्हारे घर में बहने हैं, तुम्हारे घर में मां बहने हैं,
क्या उनको बाजार में भेजते हो क्या? तुमने जिस तरह से इसका तुम्हारी बहनों के अगर किसी ने किए होते तो, तुम्हारी माँ के किए होते तो, तुम्हारी बीवियों के किए होते तो दलालों नहीं। और क्या समझ रहे हैं कि आपकी फोटो एडिटिंग से हम डर जाएंगे और बोलना बंद कर देंगे? तो बिल्कुल भरोसे में मत रहना। जब तुम्हारी औरतें रात रात भर हलाला करवा सकती हैं, तो हम ये सड़ी सी फोटो एडिटिंग से डरेंगे? हम नहीं डरने वाले बिल्कुल भी। समझ लिए? सुन लिया बराबर? हल्के में लेना मत कभी, गलतफहमी में मत पालो, गलतफहमी मत जियो। जो हिंदुत्व की आवाज उठाता है उसके सीने में ना 56 इंच का सीना होता है उसका, वही उठा सकता है। बुद्धि लोग, डरपोक और गिद्ध लोग नहीं। इसलिए ये जरा सा भी वहम मत पालना, समझ रहे हो? ये जरा सा भी वहम मत पालना कि तुम्हारी ये थोती धमकियों से, तुम्हारी ये गंदी हरकतों से, नामर्दानगी की हरकतों से ये डर जाएगी कि कोई भी हिंदुवादी व्यक्ति डर जाएगा। कुछ लोगों ने तो हिंदुत्व को अपना धंधा बना रखा है और कई प्रमाण मेरे पास आए हुए हैं। बहुत जल्दी ऐसे लोगों को भी मैं नंगा करूंगा। परंतु ये जो ये दल्ले जो भड़वे किसी के नाम पर उछल रहे हैं या किसी के कहने पर उछल रहे हैं, और किसी के अगर पालतू कुत्ते भी हैं तो अपनी औकात में रहना। हिंदू बहन बेटियों के ऊपर अगर जरा सी भी नजर उठाई तो वो नजर तो तुम्हारी निकलेगी निकलेगी, वो आंखें तो तुम्हारी निकलेगी, परंतु तुम सोच रहे हो कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है, तो ये तुम गलत फहमी में वहम पालना मत। जो हिंदुत्व का काम करता है उनके पीछे पूरा हिंदुस्तान है। तुम्हारे जैसे छंद टुकड़ों पर पलने वाले गद्दार गंदी नाली के कीड़ों के भौंकने से इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। सब लोग जानते हैं फोटो एडिटिंग एडिटिंग होती है। तुमने तो तुम्हारी घर पे हलाला करवा दिया और जावेद को जीजा बना लिया। हम अभी तक अपने असूलों को कायम रखकर हिंदुत्व की लड़ाई लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। वर्षा तिवारी के साथ मेरा परिचय नहीं था, हालांकि इनका एक वीडियो मैंने देखा था। वर्षा तिवारी के साथ आज से ऐसे स्टाइल उनके साथ में रहेगा। कभी भी कोई भी तकलीफ आई, पूरी गोरक्षा कमांडो फोर्स, पूरी परशुराम सेना सहित जितने भी मेरे दोस्त यार दोस्त फैन फॉलोअर मित्र बंधु जो भी हैं, वो सब इस बहन के साथ में हैं। और तुम तो कह रहे हो कि वहां, तुम कहो तो दिल्ली ले आऊं तुम्हारे घर के सामने, दिल्ली तुम्हारे घर के सामने। अगर तुम दिल्ली रहते हो तो दिल्ली ले आऊंगा बोलो तुम्हारे घर के सामने। औकात है तो खाली हाथ लगा के दिखा दो, उठा लेंगे, पटक लेंगे, ये कर देंगे, मार डालेंगे। सालों जिंदगी में बाप दादाओं ने तो एक मच्छर नहीं मारा अभी तक। बेटाओं जेलों की चार दीवारें देखी नहीं है, ताड़िया गिनी नहीं है अभी तक। बहुत जल्दी भोपाल सेंट्रल जेल की ताड़िया गिन लोगे तुम। पुलिस तुम्हारे पीछे लगी हुई है, तुम गलत फहमी में जी रहे हो कि कुछ नहीं हुआ। पुलिस तुम्हारे पीछे लगी है और अभी भी आला अधिकारी से बात करता हूं मैं, और उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना मैं बताता हूं मैं। राम जादव मतलब फोटो हर गई, फोटो एडिटिंग करके। ये फोटो एडिटिंग यती बाबा नरसिंहानंद जी के साथ में, पुष्पेंद्र जी के साथ में, उन लोगों के फोटो एडिटिंग करके क्या फायदा? अपने घर में बुला लो, आ जाएंगे आपको मिलने, आपके परिवार से भी मिल लेंगे। गंदी हरकतें कर रहे हो, हरकतें बंद कर दो, अच्छा रहेगा। ये सोच रहे हो कि तुम्हारे फोटो से या तुम्हारी थोड़ी धमकियों से डर जाएगी, तो देख लो ये क्या जवाब दिया, सुना तुमने अभी? नहीं। और जिहादियों के लिए मेरा एक मैसेज है, ये बिल्कुल भूल जाना कि उनके यहाँ जो आयशा फातिमा पैदा होती है ना, तो हमारे यहाँ माँ दुर्गा और काली पैदा होती है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में दुर्गा और काली की पूजा की जाती है, जो बिल्कुल तलवार और त्रिशूल लिए होती है। तो जिहादी इस चीज को भूल जाए। और दूसरी बात, तुम लोगों का धर्म है जो तलवार के बदले तलवार उतार देती है, और एक हमारा धर्म है जो तलवार का बदला रानी लक्ष्मीबाई बनकर तलवार से देती है। तो मैं कहना चाहती हूँ जिहादी
कम से कम मैं भी जानू कि तुम लोग क्या हो, और बदला मतलब जवाब भी तुम्हें बहुत अच्छा मिलेगा। बोलो बोलो जो बोलना है बोलो, अच्छे तरीके से बोलो। आज जिनको जो धमकी दे रहे हो, जिहादियों के लिए मेरा यही मैसेज है कि बिल्कुल ना समझे कि यहाँ आयशा है या फातिमा है। यहाँ आयशा फातिमा नहीं है, यहाँ माँ दुर्गा है और काली है। यहाँ कोई उनकी माँ बहने नहीं है जो सब कुछ सुनती जाएंगी। यहाँ रानी भाई है जो कि तलवार चलाना भी जानती है और सब कुछ जानती है। तो जिहादियों के लिए मेरा यही मैसेज है कि कमजोर बिल्कुल ना समझे, बल्कि जो भी करना सामने से करें। और ये जो दोगले हिंदू है ना, ये क्या सोच रहे हैं कि इनकी जो दो कौड़ी की धमकी से मैं डर जाऊंगी? तो अगर मैं डरने वाली होती ना, तो पहली बार से उसी लाइव के बाद से दूसरी लाइव बनाती ही नहीं। तो ये तो बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि तुम्हारे पोस्ट का जवाब भी मैंने लाइव आकर दिया है, तो मैं बिल्कुल डरने वाली नहीं हूँ। ये बात बहुत अच्छे से गांठ बांध के रख लेना। जब तक मेरी सांस चलेगी, जब तक तुम लोग या तो मेरी हत्या नहीं कर दोगे या मैं मर नहीं जाऊंगी ना, तब तक मैं हिंदुत्व के लिए बोलती रहूंगी, अपने समाज के लिए बोलती रहूंगी। तो ये भूल कर भी मत सोचना कि मैं बोलना बंद करूंगी, मैं बिल्कुल बोलना बंद नहीं करूंगी। और जो हिंदू होने के बाद भी अगर कोई गद्दारी कर रहा है, चंद टुकड़ों पे पलकर अगर इसको धमकी दे रहे हैं, तो भाई मेरा निवेदन है सुधर जाए, अच्छी बात है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी अपने भाई के ऊपर कोई भी गलत कार्रवाई, हिंदू के ऊपर कोई भी कार्रवाई करें, उनको जेल में डालें। परंतु अगर तुम हिंदू होने के बाद में चाटुकारी करोगे, जियादों की दलाली करोगे और हिंदू लड़कियों को धमकियां दोगे, उनको अपने संगुल में फंसाने का प्रयास करोगे, गालियां दोगे, तो उसका परिणाम बहुत गलत आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रहे, ठीक है। आज का लाइव मेरा देने का इतना ही उद्देश्य था कि वर्षा तिवारी अकेली नहीं है, गलत फहमी मत पाल देना, समझ रहे। सुअर पाल देना, बकरी पाल देना, मगर मुगालते मत पालना। ये एमपी का डायलॉग है, मुगालते बोलते ना, हाँ, सुअर बकरी पाल देना मगर मुगालते मत पालना। अगर तुम ये मुगालते पाल रहे हो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो तुम्हारे बाप दादे भी यहां से जूते खा के गए थे और तुम भी जूते खा के जाओगे, उसमें कोई दोहरा नहीं। जो दल्ला इस दुनिया में है ही नहीं, उसके नाम का ढंडोरा पीट रहे हो तुम लोग, उसके नाम पर हिंदू लड़कियों को फंसा रहे हो। और क्या नाम था आईडी का, क्या नाम बताया उसका? फकीरा बाबा। फकीरा बाबा, अबे फकीरे के बच्चे, फकीर की औलाद, जाहिल गवार। ये फकीरा बाबा के नाम की आईडी बनाकर हिंदू लड़कियों को फंसाना बंद कर ले, वरना तेरे बाप जिंदा बैठा कभी सामने आ तेरे को बताएंगे, या तेरा एड्रेस दे। समझ रहा मेरी बात को? मेरे देश की हिंदू बहनों को जागने का समय है। कहीं भी फेसबुकों के चक्कर में, इंस्टाग्राम के चक्कर में, ट्विटरों के चक्कर में, सोशल मीडिया के चक्कर में आकर ये दोस्तियां करनी बंद कर दो, वरना पछताओगे, रोओगे, बर्बाद हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अपने माँ बापों के खिलाफ, अपने परिवारों के खिलाफ अगर कोई भी क्या हो गया, अपने परिवारों के खिलाफ अगर कोई भी भागकर अगर कोई शादी कर रहा है, लव मैरिज कर रहा है, तो उसको एक ना एक दिन रोना है, पछताना है, तड़पना है। हाल ही मैंने एक कोई क्या नाम था पता नहीं, एक राजस्थान का, एक कई दिनों से चल रहा है मैसेज, क्या नाम है उसका पता नहीं, क्या नाम है यार, कोई लड़की है जिसने काफी समय पहले माँ बापों के खिलाफ में जाकर उसने शादी की थी, और अब वो रो रही है, जगह जगह भीख मांग रही है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों का बिल्कुल सपोर्ट मत करो जिसने अपने परिवार और माँ बापों की खुशियों का गला घोटा है, अपने समाज को नीचे दिखाने का कार्य किया है, अपने समाज को नीचे दिखाने का कार्य किया है। भले वो 10 साल पुराना केस हो, 14 साल पुराना केस हो, 12 साल पुराना केस हो, कि 7 साल पुराना केस हो, कि 5 साल पुराना केस हो, जिस लड़की ने अपने माँ बाप, परिवार, भाई बहन, उन सबका गला घोटकर, उनको लात मारकर, भले किसी भी जाति धर्म के साथ में भागकर शादी की है, उनका कभी सपोर्ट मत करना। भले वो रोती तड़पती और मरती रहे,
उसको ये एहसास होना चाहिए जैसे अभी हो गया है कि ये मेरे पास आ रही है पोस्ट है। एक लड़की है, कोई मैं 2014 में शादी करी थी कि 14 साल हो गए पता नहीं, ज्यादा मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं, मैं जानकारी लेना भी नहीं चाहता। तो ऐसी लड़कियों का कोई सपोर्ट ना करें जिसने 9 महीने अपने पेट माँ अपनी माँ 9 महीने अपने गर्भ में लेकर घूमने वाली माँ की खुशियों का गला घोटा, बाप को बर्बाद किया, 18-18 साल तक जिसको पढ़ाकर सरकारी टीचर बनाया, उस बाप की खुशियों का गला घोटा, उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी, भाई चाचा परिवार सबकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ऐसी लड़कियों का बहिष्कार करे हर समाज और कोई कहे तो कोई मदद ना करे। परंतु अगर कोई बहन बेटी कोई बच्ची हिंदुत्व के लिए आवाज उठा रही है, सनातन के लिए लड़ रही है, उसके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहे बोले हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे हो। और मैं सदैव राष्ट्रहित धर्म की रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए और बहन बेटियों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हूं, तत्पर रहूंगा, कहीं पर भी रहूं गली में। गांधीनगर से भोपाल आ सकता हूं तो कहीं भी ला सकता हूं, इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है। और बाकी मेरे नंबर पेज पे दिए हुए हैं, अगर किसी को तकलीफ है तो जरा कॉल कीजिए और जो चाहेगा वो पाएगा, जिसको जैसी उम्मीद लेकर फोन करेगा, जो सपने और ख्वाब लेकर फोन करेगा वो हर चीज उनको मिलेगी, फोन के माध्यम से भी मिलेगी, सामने मिलोगे तो भी मिलेगी, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, गाली दोगे तो गाली मिलेगी, जैसा जो चाहो वैसा ले लेना, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। परंतु किसी भी हिंदू बहन बेटी को ये धमकी देना, ये जाहिलों वाला गंदा काम करना बंद कर दो। वैसे तुम्हारी औकात नहीं है कुछ करने की, खाली सोशल मीडिया पर भौंक सकते हो, बकवास कर सकते हो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना, फर्क तुम्हारे को जरूर पड़ेगा। एडिट किया है, एक दिन याद रखना, तुम्हारा पिछवाड़ा तो टूटने वाला है बहुत जल्दी, पुलिस तोड़ेगी लगी हुई है, परंतु भगवान क्या है इस कलयुग में क्या है, हाथों हाथ उसका दंड भी मिलता है। कैसे? जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। आज तुमने इस बच्ची का फोटो एडिट किया है गंदा गंदा, कल तुम्हारी बहन का फोटो भी एडिट हो जाएगा, तुम्हारी माँ का भी हो जाएगा, तुम्हारी बीवी का भी हो जाएगा। हराम जादो, जरा सी शर्म नाम की चीज नहीं तुम्हारे अंदर। जाहिलों, दलालों, भड़गो, सुधर जाओ, क्यों किसी को मजबूर करते हो यार? तुम्हारी औकात नहीं है कुछ करने की तो कम से कम हिजड़ों की तरह ताया बजाना तो शुरू करो, सड़कों पर 2 पैसे कमा लोगे। सोशल मीडिया पे क्यों तुम्हारी ऐसी तैसी करवा रहे हो? आप सभी लोग वर्षा तिवारी को सपोर्ट करें, ये आइडिया हैक करना और ये हैक करना और वो करना और उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझ रहे हैं? आप सभी लोग जो भी मध्य प्रदेश के मेरे भाई सुन रहे हैं, मध्य प्रदेश की मेरे मेरी बहनें सुन रही हैं, ये भोपाल में रहती है और इस बच्ची को कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इसके साथ जुड़कर इसका सपोर्ट करें हर चीज में। ऐसे भोपाल की जो अपनी टीम है, मेरे भाई बंधु मित्र जो भी हिंदुवादी लोग हैं, मैं उन सभी को संपर्क करवा दूंगा, बस जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद सुनाऊंगा, कोई दिक्कत ऐसी बात नहीं है। परंतु जो नंबर दिए हैं मैंने अभी फेसबुक पर, उस नंबर पे इंक्वायरी करके पूछिए कि भाई ये जावेद की दलाली कब से करना शुरू करा तूने, और ये उपदेश का नाम रह के फोन करना, ये सारी हरकतें कब से कर रहा है तू? हाँ, ये फेक आईडी बनाओ या कोई भी बनाओ, जो भी कर रहे हैं आप जाओ जरा उनके आईडियो पर और उनके आईडियो पर उनकी सेवा करें बढ़िया तबीयत से। नंबर दिए हैं, नंबरों पे सेवा करें उनकी, पूछे उनको कि हरकतें कब से शुरू की हैं और इससे कितना कमा लेते हो, ठीक है। बाकी चलो आज का लाइव यही खत्म करता हूं मैं, और कुछ बोलना है हो गया? चलो साथियों, वंदे को मातरम, जय श्री राम। और अंत में कहेंगे कि जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना हिंदू हैं हरिद्वार में जरूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।